As said by Mahatma Gandhi, the earth, the air, the land and the water, they are not an inheritance from our forefathers but a loan from our children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us. इसका मतलब है ये जो नेचर है, पेड़, पर्वत, पहाड़, नदी, ये हमें विरासत में नहीं मिला है, बट ये एक कर्ज है जो हमें अपने बच्चों को या यंग जनरेशन को वैसे ही देना है जैसे एटलीस्ट हमें मिला था. आज हम नेचर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द कैंपेन विच इज़ रनिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर सेविंग द बक्सवाहा फॉरेस्ट. बक्सवाहा फॉरेस्ट इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है एंड कुछ दिनों से यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे. दिस वॉज गवर्नमेंट प्रेडिक्शन बट अगर एक्चुअल फिगर का बात करें तो इट कैन बी मोर देन 4 लाख जो पेड़ काटे जाएंगे एंड ये सब हो रहा है डायमंड्स के माइनिंग के लिए. इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इन 2006 रियो टिंटो जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे हैव गॉट द परमिट टू एक्सप्लोर दिस प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश एंड दे हैव एस्टिमेटेड अराउंड 34 मिलियन कैरेट्स ऑफ रफ डायमंड्स अंडर बक्सवाहा फॉरेस्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा डायमंड्स माइन होगा. फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ दे वेयर फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपोजिशन एंड प्रोटेस्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस. सो फाइनली इन 2017 दे हैव डिसाइडेड टू एग्जिट द कंट्री ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट. इन 2018 मध्य प्रदेश स्टेट में इलेक्शन होता है जिसमें कि कांग्रेस जीत जाती है. सो इन 2019 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अंडर कमलनाथ हैड फ्लोटेड अ टेंडर जिसमें आदित्य बिरला के SL माइनिंग वॉन द बिड एट 55,000 करोड़. इसमें 23,000 करोड़ मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा एज ए 41% रॉयल्टी. SL माइनिंग को अराउंड 63 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड दिया जाता है फॉर 50 ईयर्स लीज. ऑल्दो द कंपनी इज आस्किंग फॉर 384 हेक्टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर थ्रोइंग डेब्रीज एंड अदर वर्क्स रिलेटेड टू द माइनिंग. सो इसके साथ ही उन्हें लाइसेंस मिल जाता है अराउंड 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटने का. सो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट माइनिंग एरिया होगा. एंड टॉकिंग अबाउट द गुड साइड, इट विल बी गुड फॉर द डेवलपमेंट इकोनॉमी एंड वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा. अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं. बक्सवाहा फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. सम ऑफ द मेजर ट्रीज आर सागवान, आमला, बेल, खैर, दावा एटसेट्रा एटसेट्रा. वाइल्ड लाइफ का बात करें तो बक्सवाहा फॉरेस्ट इज़ द होम ऑफ सेवरल एनिमल एंड स्पीसीज लाइक इंडियन चिकारा, लीपॉड, टाइगर, वल्चर्स, पिकॉक एंड मेनी मोर. सो इफ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड देन द होल इकोसिस्टम विल गेट डिस्ट्रॉयड. ऑल्सो मेनी लोकल पीपल एंड ट्राइब आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. इन सब के अलावा अगर माइनिंग स्टार्ट होता है तो डेली 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी का ज़रूरत होगा एंड बुंदेलखंड वाटर स्कार्सिटी जोन में आता है. सो इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम होगा विच विल मेक द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड वाइल्ड लाइफ इवन वर्स. ऑल्सो दीज थिंग्स कैन बी मेजर रीजन्स फॉर ड्राउट, साइक्लोन्स एंड क्लाइमेट चेंज विच इंडिया इज विटनेसिंग इन रिसेंट टाइम्स. स्टेट गवर्नमेंट एंड आदित्य बिरला इज सेइंग दैट मोर देन 10 लाख ट्रीज विल बी प्लांटेड, बट पेड़ लगाना एंड उससे ग्रो होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एंड किसी भी ट्री को ग्रो होने में सालों लग जाते हैं. So we can't compare this planting of new trees with the cutting of old 2.5 lakh trees. Also the movement of wildlife is very difficult. So for all the above reasons, people across the country are against this project. And on 5th June, which is the World Environment Day, people have started the Chipko movement and they are also calling people from different sections of society to spread the awareness. Also a PIL has been submitted in Supreme Court to put a stay on this project. Kuch time pehle ki baat kare to India was having a very tough time in second wave of COVID-19 and many people were struggling to get the oxygen cylinder and isse hum samajh sakte hain ki wo forest jo hame free ka oxygen dete hain wo kitna important hai. Mumbai ke Arya forest jisme metro project banna tha uske liye bhi logon ne bahut zyada protest kiya and finally in last year government has decided to withdraw its decision. So if you also want to support this similar cause of saving Bakswaha forest, then please tag the leaders on Twitter and spread this message as much as possible so that we all can put pressure on the government, which will eventually help in saving the forest or minimizing its negative impact. Jai Hind!